हाँ तरवा भाई, कहाँ रहती हो? धोआज में। धोआज में रहती हो, क्या हो गया था कल आपकी मासूम 4 साल की बच्ची के साथ, क्या हो गया था पूरा बताओ? तो हमें इतना तो पता नहीं है क्या, लेकिन हमसे बगल वाली ये बोल रहे थे कि जो तुम्हारे घर में पेड़ होता है। कौन पढ़ा था, नाम क्या है उसका? बबलू। बबलू हाँ। तुम्हारे रिश्तेदार है क्या वो तुम्हारा? नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, क्यों घुसा था ये, उन्होंने बताया था क्या? हाँ, इनने बताया था कि लगभग बाजार से आओ तो हाँ। तो हमने तो देखो कि दोनों बच्चों हैं सार में पेड़ है, तो सार में पेड़। अच्छा, सार काहे की है वो? बकरियों की। बकरियों की, वहाँ कोई रहता तो नहीं है ना? नहीं, वो तो कोई नहीं रहता है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या गलत काम करने के लिए ले गया था तुम्हारी बच्ची को? हमें लगता था, अब देखो जब ले गया था सर तो वो तो गलत काम करने ले गया था। अच्छा, इससे पहले भी आपके घर आया था क्या ये? कभी नहीं, कभी नहीं आता। अच्छा, बच्ची की उम्र कितनी है आपकी? 4 साल। अच्छा, जब आपके घर में घुसा हुआ था बकरियों वाली सार में, बच्ची को ले गया था, उस वक्त पर आप कहाँ थी? हम खेत पे गए थे। आप खेत पे गई थी। अच्छा, आपका मकान कितने दूर है इनके घर से? पास में है। पास में ही है ना, तो क्या लगता है आपको गलत नहीं है आपके बच्ची को ले गया था? सर लगता है गलत। अच्छा, आपकी बच्ची आंगनबाड़ी स्कूल जाती है क्या? आंगनबाड़ी जाती है। अच्छा, तो आपने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है? हाँ। अच्छा, पूरा सब कुछ बता दिया है पुलिस को? हाँ, बता दिया। तो गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। हाँ। अच्छा, बच्ची ने क्या बताया आपको? बच्ची ने बताया हमें हाँ। कि जो हम बाजार से आओ, हमसे बोल लगो तुम इतना हम तुम्हें प्रसाद दे रहे। प्रसाद दे रहा है वो, फिर क्या लगो हम पैसे देंगे तुम्हें। अच्छा, पैसे देंगे। हाथ हाथ पकड़ के जो हमारे दोनों बच्चे सार में ले गए। सार में ले गए, फिर क्या किया उसके साथ, क्या बताया बच्ची को आपने, बताओ पूरा बताओ, पूरा बताओ। गोद में रखे, तो गोद में रखा था और बस इतना बताया। और गलत काम बता रहा, कोई गलत काम कर रहा था? कपड़े बता रहा था नहीं, और हमसे कछु नहीं किया।